मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुंबरा में मनपा कार्यालय के पीछे बने हिंदू शमशान भूमि की दुर्दशा ठीक करने के लिए पूर्व नगर सेवक राजन कीने और मोरेश्वर कीने ने यहां पर विजिट करके जायजा लिया है। दरअसल मुंबरा के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजन कीने को बताया था कि शमशान भूमि में ठीक तरह से लाइट की व्यवस्था नहीं है और काफ़ी अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर शव जलाने में रात के समय काफ़ी परेशानी होती है और शव जलाने के लिए जो स्टैंड है वो भी टूट गए हैं और एक दो स्टैंड जो और बचे हैं वो भी टूटने की कगार पर है। साथ ही ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो शव जलाने की व्यवस्था की गई है तो ये भी ज़्यादातर बंद रहता है। दो कर्मचारी यहाँ पर हैं, उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ ना मिलने की वजह से जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राजन कीने ने बताया है कि जो भी काम यहाँ शमशान भूमि का है उसे जल्द पूरा किया जाएगा और कर्मचारियों का मोबाइल नंबर भी बोर्ड पर लिखकर यहाँ लगाया जाएगा। साथ ही क्रिश्चियन कब्रिस्तान का भी राजन कीने ने जायज़ा लिया, यहाँ भी काम चालू है। इस दौरान राजन कीने और बजरंग दल के कार्यकर्ता आशीष कन्नौजिया ने इस बारे में क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। दादा, आप हिंदू शमशान भूमि में आज विजिट किए, तमाम यहाँ पर संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, क्या वजह है यहाँ पर आज विजिट करने का? क्या है कि अभी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बजरंग दल के यहाँ के जो स्थानिक कार्यकर्ता है, शमशान भूमि में बहुत सारी असुविधाएं ऐसा उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो पीली लाइट है उसको वाइट लाइट करने का, फिर जैसे कि यहाँ पर हमारे शमशान भूमि का पहले जैसा हिंदू शमशान भूमि का जो एक बोर्ड रहता था बाहर गेट के ऊपर वो भी टूटा हुआ था, तो उसके बारे में भी पहले लेटर दिया हुआ है। और यहाँ पर एक हमारा जो अपन अंतिम संस्कार करते उसका जो स्टैंड है वो एक स्टैंड भी टूटा हुआ है, उसके बारे में भी पत्र दिया हुआ है। और हमारे जो हिंदू बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है, तो उनकी जगह के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें बताई। तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से इससे पहले भी प्रशासन से बातचीत हुई है और वो प्रोसेस में है, तो उनको हमने कहा कि ये सब चीज़ें जल्दी ही हम लोग स्मशान भूमि जो असुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ पूरी करेंगे। जैसे परसों ही मैं आया था जब एक मैयत हुई थी और वहाँ पर जो सी एन जी दाहिनी है उसको वहाँ पर ऑपरेटर का नंबर नहीं था, तो मैंने कहा कि वो एक बोर्ड लगा के ऑपरेटर का नंबर वहाँ पर लगा दिया जाए ताकि जो समझो लकड़ी के ऊपर जिनको अंतिम संस्कार करने का नहीं रहता है तो वो अपने LPG दाहिनी में अपना किसी जो रिश्तेदार है उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बजरंग दल के आशीष हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज यहाँ पर कुछ बातें उजागर की है, उनसे उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। वो सब चीज़ें हम लोग प्रशासन से फॉलोअप करके वो चीज़ों को यहाँ पर ये असुविधा है असुविधाओं को उनको यहाँ पर मुकम्मल करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भी असुविधा है उनको। दादा, आप बता रहे कि शोभीकरण का जो है पहले भी कुछ इसका मनपा में कुछ है, तो क्या इसका कुछ प्रस्ताव वगैरह पास हुआ था? शोभीकरण में अभी ऐसा है कि यहाँ पर हमारे मुमरा के जो क्रिश्चियन बांधव है उनके लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा जगह उपलब्ध कराई दी गई है और मैं समझता हूँ कि खासदार साहब के निधि से यहाँ पर उनका जो चैपल है तो चैपल के लिए उन्होंने बहुत वक्त से मांग की थी और वो चैपल का काम शुरू हो चुका है। जैसे कि कोई उनका मैयत होता है तो वहाँ पर वो बॉडी रख के उसका प्रेयर करते तो उसको चप्पल कहा जाता है, वहाँ पर उनका काम चालू है और उसमें अभी देखते क्या है क्या क्या काम ये है। पूरा शमशान भूमि का शोभीकरण आपके अनुसार यानी अनुमानित जो है आप कितने महीने में या कब तक पूरा कर सकते हैं? वो तो अभी बहुत साल पहले शुचिपीकरण का और ये अपना LPG दाहिनी का उसमें प्रयोजन किया था, उसमें ऐसा सुशोभीकरण नहीं है लेकिन फिर भी अभी देखेंगे अभी क्या क्या जैसे ये सुविधा जरूरत की चीज़ें हैं टूटी वगैरह है बताए, जैसे कि यहाँ पर लाइट्स का प्रॉब्लम्स होता है तो उसके लिए भी निर्देश दी गए हैं कि जल्दी से जल्दी लाइट का भी व्यवस्था करिए
अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक है मशीन जिस पे शव जलाया जाता है, वो ज़्यादातर शिकायतें ऐसी मिल रही है कि वो बंद रहता है। हाँ, बंद रहता है। इसके क्यों बंद रहता है? मनपा के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर है, दो लोग वहाँ पर तैनात किए गए, तो वो लोग रहते क्यों नहीं? यहाँ पर लोग उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये ऑफिस ये साइड में है, इसके लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग उपलब्ध नहीं रहते, लेकिन लोग यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। नहीं, शटर डाउन रहता है। कई लोगों ने बताया शटर डाउन रहता है, ताला लगा रहता है। मेरे परीक्षण में ऐसा आया था कि यहाँ पर ऐसा लोग वापस जाते हैं, तो मैंने उनको परसों ही उनको कहा, अगर लोग नहीं रहते तो फिर उनको बदली कर देना चाहिए। कहा था कि यहाँ पर एक अपना जो ऑपरेटर है उसका फोन नंबर लगा दीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी कोई आए तो उसको वापस नहीं जाए। यहाँ पर जो उनको अगर एलपीजी डीजल दाहिनी में, सॉरी एलपीजी दाहिनी में अगर उनको अंतिम संस्कार करना है, तो उनके लिए असुविधा उपलब्ध न हो, इसके लिए हमने वो उसका ऑपरेटर का वहाँ पर नंबर बोर्ड पर लगाने को कहा है। आशीष, आज आप राजन दादा को लेकर यहाँ पर आए थे, कुछ शमशान भूमि की दिक्कतें हैं, लाइट है और स्टैंड है, टूटे वगैरह हैं, तो दुरुस्ती को लेकर जो मांग की है, क्या आपसे बातचीत हुई, क्या दे? तो पहली बात तो मैं राजन दादा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस पत्र व्यवहार से वो आके आज विजिट किए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए आज इधर समाज में इतनी तृप्ति, इतनी तकलीफ है। जो रात को आप 11 बजे यहाँ आ जाओगे तो इतना अंधेरा रहता है और इतना डर लगा रहता है कि पूछो मत, कि बॉडी जलाने के लिए भी अंधेरा रहता है। दो बल्फ रहती, वो भी दो बल्फ से ऐसा अंधेरा रहता है। गर्दी भी कुछ जो लोग आते हैं उनको भी तकलीफ होती है। अभी राजन दादा आए हैं, राजन दादा ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो भी है तकलीफ, हिंदू समाज में जो जो तकलीफ हो रही है और जो जलाने की तकलीफ है और जो स्टैंड का जो बात किए दादा ने, वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे दादा बोले। बाकी जो अपना बच्चों लोग का शमशान भूमि है, मेरा ऐसा कहना है कि ये बच्चों लोग की शमशान भूमि हिंदू समाज के लिए अलर्ट है पूरा। और आज से मैं कई साल पहले भी देखा था कि हिंदू समाज के लिए ही अलर्ट था, लेकिन अभी उसने क्या गड़बड़ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्रिश्चियन समाज को भी क्रिश्चियन समाज को अलर्ट किया गया। अभी कौन से बेस पर अलर्ट किया है, क्या नहीं किया है, उसके लिए हम हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उसके लिए माहिती अधिकारी में पत्र डालेंगे और उस विषय में हम आगे कार्रवाई की मांग करेंगे।